आशीष तो पहले ही वहाँ है, प्रभु ने इसे तैयार किया है। आपको इसके लिए योग्य होने की जरूरत नहीं कि क्रूस पर लटक जाएं। आपको योग्य होने के लिए ये और वो करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करें, विश्वास करने की इच्छा रखें और आज्ञा मानने की इच्छा रखें। जो प्रभु कहता है वही करें, ये योग्य होने के लिए आसान तरीका है। इच्छा रखें और आज्ञा माने तो देश की उत्तम उपज खाएंगे। Because you care for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. Hey, that is why my heart is filled with praise. Say it out. I love you. I love you. I love you. I love you, Lord, today. Because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you. I lift you up. गलातियों अध्याय 3 वचन 7 से आगे। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अद्भुत वचन है, सोचता हूं अक्सर इसे अनदेखा करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये कहता है कि केवल विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान है। और फिर वो कहता है पवित्र शास्त्र ने पहले से ही देखकर कि परमेश्वर अन्य जाति को धर्मी ठहराएगा, मतलब कि अन्य जाति विश्वास से अब्राहम की संतान होगी।
ये यही कहता है, पवित्र शास्त्र ने देख कर कि एक दिन अन्य जाति भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराई जाएगी। उसने अब्राहम को सुसमाचार प्रचार किया। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सुसमाचार में वो सब है जो अब्राहम की आशीष है। अब्राहम को सुसमाचार प्रचार किया। अब केवल एक ही सुसमाचार है, पुराने नियम में एक सुसमाचार नहीं और नए नियम में नया सुसमाचार नहीं, ये एक ही सुसमाचार है। सुसमाचार प्रचार किया। इब्रानियों भी ये कहता है कि उन्हें सुसमाचार प्रचार किया गया जैसे हमें प्रचार किया गया। उन्हें यानी इसराइली लोग जो मिस्र के बंधन से बाहर आए थे, यानी सुसमाचार प्रचार किया गया पुराने नियम के समय में भी। लेकिन ये वही सुसमाचार है। अब्राहम को सुसमाचार प्रचार किया गया। अब्राहम को कौन सा सुसमाचार प्रचार किया गया ये कहा, यह स्पष्ट बताता है, मुझे इसका अर्थ समझाने और मतलब बताने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार प्रचार किया गया ये कहते हुए इन शब्दों में, तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 में, तुझ में पृथ्वी के सारे देश आशीष पाएंगे। इसका सरल अर्थ है कि सुसमाचार तो केवल संसार के सामने घोषणा करना था कि वो अब अब्राहम की संतान होकर वही आशीष पा सकते हैं जो अब्राहम पर थी। ये सुसमाचार है। अब मैं विश्वास करता हूं कि हम इतना समझ गए हैं, हम इसे गलत नहीं समझ सकते। जो सुसमाचार अब्राहम को प्रचार किया गया था कि तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, तो अब हम संसार को बता रहे हैं आप अब्राहम की संतान हो सकते हैं। केवल अब्राहम की आशीष से उसकी संतान ही आशीष नहीं पाती है। आप चाहे आप जो भी हो, आप चाहे जहां भी हो, आप अब्राहम की आशीष पा सकते हैं। वचन 9 के अनुसार जो विश्वास करते हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित हैं। यानी हम घोषणा करते हैं, सुसमाचार ये है, संसार को बता रहे हैं कि आप अभी आशीष पा सकते हैं, अब्राहम के साथ वही आशीष जिससे अब्राहम आशीषित था। और ये यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ कलवरी के क्रूस पर। और यह है वचन 13 और 14, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटका जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। यीशु क्रूस पर क्यों मरा? क्योंकि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम को आशीष दी थी, अभी अन्य जाति पर आनी थी और सब पर। यीशु मरा कि अब्राहम की आशीष हर एक व्यक्ति पर आ जाए। अब हम संसार को यही सुसमाचार प्रचार करते हैं, आप अब्राहम की आशीष पा सकते हैं। अब अब्राहम की आशीष में है आत्मिक, दिमागी, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की आशीष, वो सब इसमें थी। और यदि आप व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताया था कि आशीष और श्राप दिए गए हैं, मसीह ने हमें उन श्रापों से छुड़ाया है। यहां गलातियों 3:13 में हमें बताया गया है, यदि आप उन श्रापों और आशीषों को देखें तो आसानी से समझ पाएंगे कि श्राप क्या है और आशीष क्या है। हमें अब्राहम की आशीष से आशीषित किया गया है। आप सच में जानते हैं कि किससे छुड़ाए गए हैं? आप उन्हीं श्रापों से छुड़ाए गए हैं जो बताए गए हैं व्यवस्था विवरण 28 में। अब ये सुसमाचार है, इसलिए यीशु ने कहा मैं सुसमाचार प्रचार करने आया। और फिर उसने बड़ी लिस्ट दी। उसने कहा सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक हुआ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक हुआ कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, वो शुरू करता है। और फिर टूटे दिल वाले लोग, जिन लोगों के जीवन में कई क्षेत्रों में असफलता होती है। आज बहुत से टूटे दिल वाले लोग हैं, तलाक हुए और बिखर गए हैं, मानसिक और भावनात्मक, अपने जीवन में बहुत से दुख लिए हुए हैं। वो कहता मैं टूटे दिल वालों को चंगाई देने आया कि बंधुओं को आजाद करूं, चंगाई दूं, अंधों को आंखें दे दूं और सताए को आजाद करूं। आज देखिए कितने लोग सताए गए हैं, वो सुसमाचार सुने, क्योंकि यीशु मसीह में सताए के लिए असली जवाब है। कंगाल सुसमाचार सुने, क्योंकि यीशु मसीह में संसार की गरीबी के लिए जवाब है। यानी सुसमाचार में सब कुछ आता है यीशु के अनुसार। हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे साथ निकाले यशायाह अध्याय 1:18-19, क्योंकि ये बहुत बताया गया है, बहुत बताता है लेकिन अलग तरह से बताता है। तो आओ, वचन 18, आओ हम आपस में वाद विवाद करें
यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो गए। अब ये विनती है कि आए, पापियों को आने के लिए कहता है कि उनके पाप धोए जाए, कि वो अपने पापों से आजाद हो जाए। लेकिन सुसमाचार यही खत्म नहीं होता। अक्सर मैंने देखा है कि इस वचन से सुसमाचार प्रचार किया गया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार का अंत नहीं कि लोग आए और पापों से शुद्ध हो जाए। क्योंकि अगला वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। दूसरी तरह से कहना है, तुम देश की उत्तम उपज खाओगे। यदि इच्छा रखकर मानो तो देश की उत्तम उपज खाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रभु ने इसराइली लोगों से कहा, मूसा के द्वारा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तुम्हारे इस शत्रु के सताव से, मिस्रियों की गुलामी से, और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देखिए, छुटकारा दूंगा एक बात है, और तुम्हें छुड़ाऊंगा बंधन से, तुम्हारी गुलामी से। लेकिन उद्धार यही खत्म नहीं होता है। फिर अगला वचन निर्गमन अध्याय 3 से ये कहता है, हमने इस पर चर्चा की है, वचन 7 और ये सब, तुम्हें तुम्हारी गुलामी और बंधन से आजाद करूंगा, और तुम्हें बड़े और उत्तम देश में ले जाऊंगा, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये सुसमाचार है। यदि आप दूध और मधु को छोड़ दे तो क्या बचेगा? वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। सुसमाचार में दूध और मधु है। सुसमाचार में है कि आप उस देश में पहुंचे जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है और आपके लिए तैयार रखा है। यानी हम यही देख रहे हैं। और आज चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे, यदि आप इच्छा रखकर आज्ञाकारी हो, मतलब इच्छा से सत्य को स्वीकार करें, और आज्ञाकारी होना मतलब प्रभु की बात सुने, जो प्रभु कहता वही करे, प्रभु जो कहता वही जाए, प्रभु जो कहता वही करे, तब आप देश की उत्तम उपज खाएंगे। आशीष तो पहले ही वहां है, प्रभु ने इसे तैयार किया है। आपको इसके लिए योग्य होने की जरूरत नहीं कि क्रूस पर लटक जाएं। आपको योग्य होने के लिए ये और वो करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करें, विश्वास करने की इच्छा रखें और आज्ञा मानने की इच्छा रखें, जो प्रभु कहता वही करे। ये योग्य होने के लिए आसान तरीका है। इच्छा रखे और आज्ञा माने तो देश की उत्तम उपज खाएंगे। देखिए व्यवस्था विवरण 28, और मैं पढ़ता हूं वचन 8, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। अब ये प्रभु की आशीष का भाग है। देखिए, अब्राहम की आशीष पूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा प्राण और शरीर बनाया है। यानी आत्मा का संबंध आत्मिक बातों से है, मन का संबंध आत्मिक और साथ ही भौतिक चीजों से भी है, और शरीर का हमारे जीवन की भौतिक चीजों से है। यानी हमें व्यवहार करना है आत्मिक, भौतिक और हर क्षेत्र से, और प्रभु हमें हर तरह से आशीष देता है। तो प्रभु कहता है यहां वचन 8 में, तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर प्रभु आशीष देगा। सब लोग कहे खत्तों पर। प्रभु भंडार को क्यों आशीष देना चाहता है? भंडार पर आशीष की आज्ञा क्यों देता है? यदि कमी और घटी हुई तो, यदि इसमें कम और उसमें कम, यदि उसमें कम हुआ तो क्या, क्यों नहीं? वैसे क्यों नहीं रह सकते वो, इस तरह क्यों नहीं रह सकते वो, मरकर स्वर्ग में जाकर सारी आशीष का आनंद उठा सकते हैं? क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर आया और कहा, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो। यानी स्वर्ग में बंगले हैं, यहां कोई झोपड़ी नहीं, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होगी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। प्रभु यहां एक और स्वर्ग चाहता है। देखिए, इसे कभी न भूले, प्रभु नहीं चाहता कि पृथ्वी स्तर हो और स्वर्ग अलग हो। वह आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। वो चाहता है कि उस स्वर्ग को दर्शाने वाले हो। हमने इसे बर्बाद किया और ऐसा बनाया है। आज ये आदम ने अपने पाप के कारण, उसने ये श्राप लाए, ये सारी चीजें जो आज पृथ्वी पर है उन्हें लाया, इसे बनाया। लेकिन प्रभु चाहता है कि दूसरा स्वर्ग हो। जब उसने अदन की वाटिका बनाई, उसने उसे छोटा स्वर्ग बनाया था। अदन का अर्थ है आनंद की जगह। सच में वहां सब कुछ था, पर्याप्त से बढ़कर था। प्रभु ने यही बनाया था, क्योंकि इसके द्वारा उसने अपनी इच्छा बहुत स्पष्ट रूप में बताई कि पृथ्वी इस तरह होनी चाहिए, और मनुष्य से कहा कि काम करो पृथ्वी को वैसे बनाएं, और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया कि वो इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसे बनाए।
हर जगह वो अदन की वाटिका के जैसे जाएगा, हर जगह काम करेगा और इसे सुंदर अद्भुत जग बनाएगा। इसके बजाय उसने अपने पापों से इसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रभु अपने भंडारों पर आशीष की आज्ञा देता है। अब वो लोग जो उस पर विश्वास करते, सब लोग कहे भंडारों पर। अब उन दिनों में कोई बैंक नहीं थी कि पैसा जमा करें, सारा निवेश भंडार में होता था। बड़े भंडार में सारा अनाज लाकर रख देते थे, वहां बड़े भंडार होते थे। इसलिए कहता है तेरे खत्ते बहुतायत से भरे हो गए। उन दिनों में संपन्नता ऐसे गिनते थे। प्रभु चाहता था कि उनके खत्ते भरपूरी से भरे रहे और कुंड उमड़ते रहे, और ये सब क्योंकि उन दिनों में धन इसी तरह से गिना जाता था। लेकिन आज बैंक्स है, बस जाकर डिपॉजिट करे और एटीएम कार्ड लेकर उससे काम करते जाते हैं। हमें इन दिनों में बड़े भंडार की जरूरत नहीं। हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है, हर तरह के दूसरे अकाउंट्स हैं, इसे कहते बहुत से भंडार। मैं खुश हूं कि प्रभु ने भंडार नहीं कहा, क्योंकि उसके पास हमारे लिए भंडारों की योजना है। हेलो, ये अनेक वचन में है, केवल एक बचत खाता नहीं। अब बहुत से लोग चुप हो गए। कमान वो भंडारों में विश्वास करता है। जानते प्रभु स्वाभाविक रूप में ये कहता है, सच बात तो यह है कि वो कहता है मैं तुम्हारे भंडारों पर आशीष की आज्ञा दूंगा। वो आशा करता है कि तुम्हारे पास भंडार हो। वो आशा करता है कि आपके पास केवल बचत खाता ही नहीं, लेकिन बहुत सी दूसरी चीजें हों जो आपने खरीदी हो, और जहां भी आपने कुछ चीजें जमा करके रखी हैं, जहां भी आपके निवेश हैं, जिसे भी आप अपना स्टोर हाउस समझते हैं, आपकी जमीन और स्टॉक्स, आपके खत्ते और म्यूचुअल फंड्स और आपके बचत खाते और क्या नहीं। प्रभु कहता है उन सारे भंडारों पर मैं अपनी आशीष की आज्ञा दूंगा। इसलिए मैं आपको पिछली बार बता रहा था वो वचन जहां परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम सातवें साल काम करना। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि कैसे उन्हें प्रभु की आशीष पर जीना चाहिए। अब उन्हें ये कैसे याद दिलाते रहे? वो कहता है सातवें साल काम नहीं करना, एक साल की छुट्टी। अब आज हम एक साल की छुट्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते, जानते हैं। मतलब एक हफ्ता ले, यानी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी ले, तो अवश्य ही एक साल की छुट्टी संभव है। लेकिन हमारा मन इस तरह सोचने के लिए ट्रेन नहीं किया गया, एक साल काम करे तो खत्म हो जाएंगे। आप खत्म होंगे क्योंकि हर महीने काम करना पड़ता है कि अगले महीने के बिल्स चुका सके। हम इसी आधार पर जीते हैं, हम इतना ही सोच सकते हैं और ज्यादा नहीं, हम उसके परे नहीं सोच सकते। लेकिन प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि जान लो कि हर सातवें साल तुम काम नहीं करोगे। फिर उन्होंने कहा प्रभु यदि सातवें साल काम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? उसने कहा चिंता ना करो, छठे साल मैं तुम्हारे भंडारों पर आशीष की आज्ञा दूंगा, ताकि जो कुछ तुम छठे साल कमाओगे वो काफी होगा छठे साल के लिए, सातवें साल के लिए। और सातवें साल काम नहीं किया इसलिए तुम्हें आठवें साल के लिए कुछ चाहिए। जानते हैं आठवें साल कुछ नहीं होगा, तो ये आठवें साल तक रहेगा, और नवे साल तक भी तुम छठे साल की फसल खाओगे। वो कहता है यानी तुम जानोगे ये तुम्हारे काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे कामों पर मेरी आशीष है जो सब काम करती है। ये ऐसे सिद्धांत है जिसे दूर नहीं कर सकता। आशीष, मैं आशीष से जीना चाहता हूं, कामों से नहीं। मैं काम करता हूं लेकिन मैं आशीष से जीना चाहता हूं। मेरे कामों में जो मिल सकता है उससे बहुत ज्यादा आशीष से मिलता है। यह प्रभु की आशीष है। जब प्रभु हमारे भंडारों पर प्रभु की आशीष की आज्ञा देता है, मैं आपको बताऊं हमारे भंडार तो सदा के लिए बने रहेंगे। लेकिन बात तो यह है कि बहुत से लोगों के पास अब तक कुछ भंडार नहीं, यानी हमारे पास कुछ होना चाहिए। प्रभु ने कहा आज तुम्हारे पास जो उससे हजार गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन शून्य गुना हजार शून्य होता है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो किससे हजार गुना बढ़ाएगा? क्या आपने कोई निवेश किया है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जानते हैं जब हम प्रभु के कामों के लिए देते हैं तो वो भी निवेश होता है, लेकिन सामान्य रूप में, यहां तक आर्थिक रूप में, हमें कभी कुछ निवेश करना चाहिए कि परमेश्वर उस निवेश को आशीष दे सके। यदि आप निवेश ही न करें तो परमेश्वर किससे आशीष देगा? हेलो, क्या आपने बचत खाता खोला है? प्रभु ने कहा मैं भंडार पर आशीष की आज्ञा दूंगा, लेकिन हमारे पास कुछ भंडार ही नहीं। क्या आपके पास भंडार है? एक भंडार काफी नहीं। प्रभु ने कहा मैं भंडारों पर आशीष दूंगा, तो आपके पास बहुत से भंडार हैं? यदि एक भंडार है तो काफी नहीं, बहुत से भंडार चाहिए।
और कहे प्रभु इसे मत भूलना, इसे नहीं भूलना, ये भी एक भंडार है, वो वहां पर एक और भंडार है, वहां कुछ रखा है, यहां कुछ रखा है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे भंडारों पर आशीष की आज्ञा दूंगा, यानी आपको कुछ बनाना होगा। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 26 कि कैसे यदि आप इच्छा रखकर आज्ञाकारी हो तो देश की उत्तम उपज खाएंगे। यह वचन में इसका महान उदाहरण है। कई बार हमने इसहाक को देखा, लेकिन चलिए इस समय उसे निवेश के दृष्टिकोण से देखते हैं और वो क्या करता है। आप कैसे निवेश करते हैं अपने जीवन में, आप कैसे निवेश करते हैं प्रभु के मार्गदर्शन में। इसे सुनिए, अध्याय 26। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। हर कोई मिस्र में जा रहा था। उन दिनों में यही तो होता था, क्योंकि मिस्र में अनाज का स्टॉक होता था, यानी जब भी अकाल पड़ता तो पड़ोसी देश मिस्र में जाते थे। लोग इसे छोड़ वहां जाते और अकाल खत्म होने तक वहीं पर रहते थे, यानी सब मिस्र जा रहे थे। और इसहाक भी तैयार हो गया कि मिस्र को जाएं, और प्रभु ने कहा मत जा, मैं तुझे बताऊंगा कि कहां रहना है, तू वहीं रहना। अब सब मिस्र जा रहे थे, वहीं पर तो निश्चित भोजन था, वहीं पर निश्चित रूप में था, वहीं पर पैसा था, वहीं पर सब कुछ था। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैं जो कहता हूं वही करना, क्योंकि यदि तू इच्छा रखकर आज्ञाकारी होगा तो देश की उत्तम उपज खाएगा। आशीष प्रभु के मार्ग से आती है। प्रभु ने कहा मैं बताऊंगा कि इसे कैसे करे, और फिर उसने कहा तू इसी देश में रहना और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। पृथ्वी की सारी जाति तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। सब लोग कहें आज्ञा मानी। यदि आप इच्छा रखकर आज्ञा माने, अब्राहम ने आज्ञाकारिता से, जानते हैं जब प्रभु ने अब्राहम से कहा अपने माता पिता को छोड़, अपने करीबी दोस्तों को छोड़, अपने नगर और शहर को छोड़, और उस देश को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने पैक किया और चला गया। अवश्य कुछ लोगों को संग ले गया, बाद में समस्या हुई, उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन वो जरूर गया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उसे पैक करके जाना कितना मुश्किल था, क्योंकि यहां सब कुछ था। उसकी जमीन है, उसका घर है, उसके पिताजी है, उसकी माँ है, सब वहां पर थे। क्यों नहीं यहीं रहे? प्रभु ने कहा उस जगह पर जाना। उसने कहा मैं आशीष दूंगा, तुझे आशीष बनाऊंगा, पृथ्वी के सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे, तेरा नाम महान करूंगा, और ये सब केवल जाने पर, जहां प्रभु उसे दिखाता है। केवल उसने पैक किया और चला गया। मैं आपको बताऊं कि वो सारे लोग जो प्रभु की आशीष में रहते हैं, आप देखेंगे कि वो प्रभु का मार्गदर्शन पाए और जहां जाना था वहां पर गए और वही किया जो प्रभु ने करने के लिए कहा, और इसी तरह वो प्रभु की आशीष में आए। हालांकि ये कई बार जोखिम से भरा हुआ था, यह आसान काम नहीं था, यह ऐसा था जिसे वैसे नहीं कर देते थे। इसे करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि कुछ निश्चित बात हो रही थी। लेकिन प्रभु ने कहा वहां जाना, वही मैंने तुम्हारे लिए जगह रखी है, उद्देश्य रखा है, और वो चले गए, और इसीलिए उन्होंने प्रभु की आशीष का अनुभव किया। उन्होंने जोखिम उठाई क्योंकि प्रभु ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो अपने आराम की जगह से बाहर गए और गए क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। और फिर क्या हुआ? आशीष उनके जीवन में बहुत बहने लगी, असीम रूप में। यदि वो उसी जगह रहते जहां थोड़ा था तो सुरक्षा तो रहती, लेकिन ये आशीष नहीं होती। यानी अब्राहम गया इसलिए उसने आशीष पाई। वचन 5, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञा विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए इसहाक गरार में रहा। इसहाक का क्या हुआ? वचन 12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। किस देश में? उसी देश में जहां अकाल पड़ा था, वहां पानी नहीं था, कुएं में पानी घट रहा था। ये कहता है कि इसहाक वहीं पर रहा। सबने सोचा इसहाक तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पैक करके जाना चाहिए, सब जा रहे हैं क्योंकि यहां कुछ नहीं है। इसहाक ने कहा नहीं, प्रभु चाहता मैं यही रहूं, ये मेरे लिए जगह है जो प्रभु ने मुझसे कहा है कि यहां आशीष देगा, मैं यही रहूंगा जहां प्रभु ने रहने के लिए कहा। फिर ये कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। सब लोग कहे प्रभु ने आशीष दी। देखिए, आशीष काम कर रही थी, वहां के अकाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आशीष तो अकाल से बड़ी है। आशीष अकाल पर हावी होती है। जब आप पर आशीष होती है तो अकाल से न डरें।
यदि आप पर आशीष है तो अकाल से नहीं डरना, क्योंकि आशीष तो इस संसार में अकाल से बड़ी है। प्रभु ने उसे आशीष दी, यानी उसने उसी साल 100 गुना फसल काटी जब लोग भाग रहे थे और वहां फसल नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे 100 गुना फसल दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि वो प्रभु की आज्ञा नहीं मानता तो ये कभी नहीं होता। देखिए, आप प्रभु की आशीष में आते हैं इच्छा रखकर, आज्ञाकारी होकर। जहां प्रभु चाहता है वहां निवेश करें, वहां निवेश करें, जो प्रभु चाहता है वही करें, वहीं पर प्रभु की आशीष में आप जुड़ जाते हैं। Lord,